Welcome to your maths class. Children, I'm sure you must be watching the videos. Children, in our previous videos, as you know, we have started chapter 14 of your maths textbook. Children, the name of the chapter is Time. And we had done clock and time. And we had started days of week. Children, today we will continue the days of week in this video. But before that, we will revise what we have done till now. जितना हम अब तक कर चुके हैं उसे हम एक बार रिवाइज करेंगे और फिर हम आज का जो एक्सरसाइज है उसे हम करेंगे. Children, we have already done clock and time, which was related to the time as it is in the clock. जो घड़ी में टाइम होता है उसको हमने पिछले वीडियो में सीखा था. हमने सीखा था क्लॉक के बारे में, दैट द डायल ऑफ द क्लॉक हैज 12 डिजिट्स, 12 नंबर्स होते हैं उसमें. दिस इज द क्लॉक. It's a rough clock. Okay, children, we had studied about clock. This is called dial of the clock, and it has 12 numbers on it. In some clocks, these numbers are not written, but actually there are 12 points in the clock. Children, we had studied that clock had basically two hands. We are talking about the main two hands, that is short hand and long hand. Short hand is called hour hand and long hand is called minute hand. जो क्लॉक का फेस होता है दैट इज कॉल्ड डायल ऑफ द क्लॉक, एंड जो उसका छोटा हैंड होता है उसको कहते हैं आर हैंड, और जो लॉन्ग हैंड होता है उसको बोलते हैं मिनट हैंड. चिल्ड्रन, देयर इज वन मोर हैंड दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट. एक और हैंड होता है क्लॉक में, दैट इज फॉर सेकेंड, एंड इट इज नॉट इन योर कोर्स, दैट्स व्हाई आई एम नॉट talking about that third hand. We had talked about only two hands, that is short hand and long hand. Short hand is hour hand and long hand is minute hand. And हमने जाना था कि हम आर कैसे देखते हैं. How do we see the clock? When the shorter hand is on particular number and long hand is on 12, then the time is as per the number on which the short hand is. जिस number पे short hand है वो ही time होता है, और long hand 12 पे होता है उस समय. If the short hand is on 7, it is, and the long hand is on 12, it is 7 o'clock. If the short hand is on 8 and long hand is on 12, this means 8 o'clock. This means that the short hand points towards the time. जो छोटा हैंड है वो हमें एक्चुअली में टाइम बताता है, बट द कंडीशन इज दैट द लॉन्ग हैंड शुड बी ऑन 12. देन समटाइम दिस शॉर्ट हैंड इज बिटवीन द नंबर्स, जो नंबर्स के बीच में होता है, एंड एट दैट टाइम वी रीड द टाइम इन अ डिफरेंट वे, दैट वी विल स्टडी इन अदर क्लास. वो इस वक्त आपके कोर्स में नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिवाइजिंग दैट. हमने सिर्फ इस तरह के एक्सरसाइजेस की है जिसमें आपको इधर यू हैव टू ड्रॉ द हैंड्स और यू हैव टू टेल द टाइम. या तो आपको टाइम बताना है, ऑलरेडी निडल्स द हैंड्स आर देयर एंड यू हैव टू टेल द टाइम, और यू हैव टू ड्रॉ द हैंड्स एंड टाइम एज पर द टाइम गिवन. टाइम नीचे लिखा हुआ है और आपको हैंड्स बनाने हैं, या फिर हैंड्स बने हुए हैं और आपको टाइम बताना है. ठीक है, आपने दो तरह की एक्सरसाइजेस की हैं. एक में आपको निडल ड्रॉ करना था
कैसे ड्रॉ करना था, जो नीचे टाइम लिखा था उसके अकॉर्डिंग आपको निडल ड्रॉ करने थे। और दूसरा एक्सरसाइज थी जिसमें पहले से ही टाइम शो किया हुआ है और आपको बताना था कि व्हाट इज द टाइम। ये दो हमने एक्सरसाइज क्लॉक्स में की है, ठीक है। देन वी हैव स्टार्टेड डेज ऑफ वीक एंड एज वी नो देयर आर 7 days इन अ वीक। एक दिन में 7 days होते हैं। देयर आर 7 days इन अ वीक। कौन से होते हैं? दैट वी हैड ऑलरेडी डन। हमने उन डेज के नेम हम पहले ही लिख चुके हैं एंड दे आर शुरू करोगे। वेनेसडे और वेनेसडे, नॉट वेडनेसडे। देन थर्सडे, देन फ्राइडे, सैटरडे, and then Sunday, which is our favorite day because it is a holiday, है ना? सबको पर आजकल तो रोज संडे ही है आप लोगों का। You are at home, but of course you have to study, तो हम उसको संडे नहीं बोल सकते of course. पर घर पे है तो we may have the feeling of Sunday, but it is not actually Sunday. There are 7 days in a week. Week में 7 days होते हैं। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Okay? These are the 7 days of a week. एक वीक में जो 7 days होते हैं ये उनके नाम हैं। और अब हम करेंगे जो एक्सरसाइज है वो हम आपका स्टार्ट करेंगे आज, विच इज बेस्ड ऑन दीज डेज। Children, how you would find the days after and before a particular day? Children, you have to learn the sequence of the day. जिस sequence में day है वो हमें सबको पता होना चाहिए। And I know, I'm sure you all know. Monday, Tuesday, then Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Okay? This is the order in which the days are. Now, if somebody asks you, अगर कोई आपसे पूछता है विच डे इज बिफोर थर्सडे, विच डे इज बिफोर थर्सडे, थर्सडे के बिफोर, बिफोर मतलब पहले, थर्सडे के बिफोर कौन सा डे होता है? विच डे इज बिफोर थर्सडे, थर्सडे से पहले कौन सा डे होता है? तो बिफोर थर्सडे के बिफोर कौन सा है? वेंसडे। वेंसडे इज बिफोर Thursday. Now, if somebody asks you which day is after Thursday, which day is after Thursday? अब after मतलब बाद में, उसके next. After मतलब next. तो इसके next Thursday के next क्या है? Friday. Friday is the day which is next to Thursday. Thursday के just नीचे क्या है? Just नीचे क्या है? Friday है.
Okay, so the day before Thursday is Wednesday and the day just after Thursday is Friday. Okay, just before Wednesday, just after Friday. इस जो थर्सडे है इसके तुरंत पहले क्या है वेंसडे है और इसके जस्ट बाद कौन सा है फ्राइडे एंड इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड विच डे इज बिटवीन वेंसडे एंड फ्राइडे वेंसडे और फ्राइडे के बीच में कौन सा डे है वेंसडे और फ्राइडे के बीच में दोनों के बीच में तो दिस इज वेनेसडे दिस इज फ्राइडे दोनों के बीच में क्या है थर्सडे है थर्सडे इज बिटवीन वेनेसडे एंड फ्राइडे तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द वे बिफोर आफ्टर और बिटवीन लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल विच डे इज आफ्टर मंडे विच डे इज आफ्टर मंडे After मतलब just next to Monday, Monday के next को बोलेंगे हम after बाद में Monday के बाद Monday के next क्या है Tuesday Monday के next क्या है Tuesday Monday के next Tuesday okay तो हम बोलेंगे answer will be Tuesday अगर question है which day is before Tuesday Which day is before पहले just पहले उससे ऊपर उसके पहले तो Tuesday के पहले क्या है Monday Monday is before Tuesday Tuesday से पहले है Monday is before Tuesday and Tuesday is after Monday Monday के after है Tuesday Monday के after है और मंडे ट्यूसडे के बिफोर है गॉट इट ट्यूसडे के बिफोर मंडे मंडे के आफ्टर ट्यूसडे थर्सडे के बिफोर वेडनेसडे वेडनेसडे के आफ्टर थर्सडे फ्राइडे के बिफोर पहले थर्सडे थर्सडे के आफ्टर फ्राइडे सैटरडे के बिफोर पहले सैटरडे के बिफोर फ्राइडे फ्राइडे के आफ्टर सैटरडे सैटरडे जो है वो फ्राइडे के आफ्टर बाद में फ्राइडे के बाद में सेम संडे के बिफोर क्या है पहले क्या है संडे के पहले सैटरडे संडे के पहले सैटरडे एंड विच डे इज आफ्टर सैटरडे संडे संडे के संडे किसके आफ्टर है सैटरडे के आफ्टर है विच डे इज आफ्टर सैटरडे सैटरडे के बाद कौन सा दिन है सैटरडे के बाद है संडे सैटरडे के नेक्स्ट क्या है संडे गॉट इट नाउ विच डे इज बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे विच डे इज बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे मंडे एंड वेडनेसडे के बिटवीन बीच में कौन सा दिन है मंडे और वेडनेसडे के बीच में ट्यूसडे मंडे और वेडनेसडे के बीच में ट्यूसडे ओके Which day is between Tuesday and Thursday? Now, Tuesday और Thursday के between कौन सा दिन है Between Wednesday और Wednesday. Wednesday is between इन दोनों के between में Wednesday है Okay? Now, ये हम कर चुके हैं Which day is between Wednesday and Friday? वेंसडे और फ्राइडे के बिटवीन बीच में क्या है थर्सडे ओके नाउ विच डे इज बिटवीन सैटरडे एंड थर्सडे विच डे इज बिटवीन सैटरडे एंड थर्सडे थर्सडे है और ये सैटरडे है इन दोनों के बिटवीन क्या है फ्राइडे फ्राइडे इज बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे नेक्स्ट इज विच डे इज बिटवीन फ्राइडे एंड संडे फ्राइडे और संडे के बीच में कौन सा दिन है विच डे इज बिटवीन फ्राइडे संडे तो सैटरडे सैटरडे इज बिटवीन फ्राइडे एंड संडे संडे और फ्राइडे के बीच में है सैटरडे
गॉट इट? आपको बिटवीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर? बीच में कौन सा दिन आता है? अगर पूछा जाएगा विच डे, मंडे इज बिटवीन विच डे? नाउ मंडे इज बिटवीन विच डे? मंडे कौन से दो डे के बीच में आता है? देन यू विल से संडे एंड ट्यूजडे. संडे और ट्यूजडे के बीच में मंडे आता है. संडे आया, ठीक है, उसके बाद मंडे आता है, फिर ट्यूजडे आता है. तो संडे और ट्यूजडे के बीच में मंडे है, ठीक है. अगर पूछा जाएगा संडे किसके बीच में आता है? बिटवीन संडे इज बिटवीन सैटरडे एंड मंडे. सैटरडे और मंडे के बीच में संडे है. सैटरडे एंड नेक्स्ट डे क्या है? मंडे. सैटरडे मंडे के बीच में संडे. गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिटवीन? बिटवीन आपको समझ में आया? आई होप ये समझ में आया है. सो विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस विच आर गिवन इन द एक्सरसाइज. आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दी हुई है, वी विल डू दोज क्वेश्चन. हम उन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है. चलिए लेट्स डू. विच डे कम्स आफ्टर संडे? कम्स आफ्टर संडे. विच डे कम्स आफ्टर संडे? संडे के आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में. नेक्स्ट, विच डे कम्स आफ्टर संडे? संडे के बाद कौन सा डे आता है? आफ्टर संडे. सपोज आज संडे है तो कल क्या होगा? आज संडे है तो कल क्या होगा? नेक्स्ट डे आफ्टर मंडे. यस, आंसर इज मंडे. आंसर इज मंडे. संडे के आफ्टर मंडे. संडे के बाद क्या आएगा? मंडे. आज अगर संडे है तो कल क्या होगा? मंडे होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे कम्स आफ्टर मंडे? विच डे कम्स आफ्टर मंडे? अब आपको बताना है कि मंडे के बाद कौन सा डे आता है. मंडे के नेक्स्ट, आज मंडे है तो कल क्या होगा? आज अगर मंडे है तो विच डे विल बी नेक्स्ट? टुमोरो, ट्यूजडे. यस, तो आफ्टर मंडे. मंडे के बाद क्या आता है? मंडे के बाद आता है ट्यूजडे. मंडे के बाद ट्यूजडे. थर्ड क्वेश्चन, आई होप यू आर गेटिंग द आफ्टर कॉन्सेप्ट. आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया. आप हमेशा ये सोच कर कि आज वो दिन है तो नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है. तो आपको आंसर फटाफट आ जाएगा. व्हाट डे इज बिटवीन ट्यूजडे एंड थर्सडे? व्हाट डे, व्हाट डे इज between Tuesday and Thursday? What day is between? बीच में बिटवीन ट्यूजडे एंड थर्सडे. सपोज आज ट्यूजडे है, ठीक है, और कल जो डेट है, कल जो डे है, दैट विल बी बिटवीन. आज ट्यूजडे है और हमको बताना है ट्यूजडे और थर्सडे के बीच में कौन सा दिन आता है. तो आप जो फर्स्ट डे है उसको आज मान लो, ट्यूजडे. टुडे इज ट्यूजडे, ये मान लेते हैं कि आज ट्यूजडे है तो कल क्या होगा? वेंसडे होगा. ट्यूजडे के बाद वेंसडे आता है, उसके बाद थर्सडे आता है. ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे. तो ट्यूजडे और थर्सडे के बीच में क्या हुआ? वेंसडे. तो आप जब भी आपको दिन पता करना है, चेक द फर्स्ट वन
और फिर उसका नेक्स्ट आप सोचना, ट्यूसडे उसके नेक्स्ट, आज अगर ट्यूसडे है तो कल क्या होगा, ट्यूसडे के बाद क्या आता है वेंसडे, उसके बाद क्या आता है थर्सडे, तो ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में क्या है वेंसडे, आंसर इज वेंसडे, आंसर इज वेंसडे। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, विच डे कम्स आफ्टर संडे मंडे, विच डे कम्स आफ्टर मंडे ट्यूसडे, विच डे इज बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे वेंसडे। Now, fourth one. What day is before Sunday? What day is before? Pay attention to the word before Sunday. What day is before Sunday? Before Sunday, Sunday से पहले कौन सा दिन आता है? तो आप मान के चलो आज संडे है, तो संडे से पहले कौन सा दिन था? कौन सा दिन था तो आज संडे आया है? इससे पहले कौन सा दिन था? सैटरडे, यस सैटरडे। बिफोर मतलब इसके जस्ट पहले, जो ये डे है इसके जस्ट पहले कौन सा डे था, दैट इज बिफोर। तो हम मान के चलते हैं कि संडे है, संडे को हमको इमेजिन करना है कि टुडे इज संडे, हम आज मान लेते हैं कि टुडे इज संडे, तो आज अगर संडे है तो कल क्या था, जो बीत गया वो क्या था, कौन से डे के बाद आज संडे आया है, तो किसके बाद आया है संडे, सैटरडे। सो बिफोर संडे इज सैटरडे। नंबर फाइव, नेम द डे आफ्टर थर्सडे, नेम द डे आफ्टर थर्सडे। नेम द डे, आपको नाम बताना है, किसका नाम बताना है, द डे आफ्टर थर्सडे। तो आज थर्सडे है, हम मान रहे हैं कि आज थर्सडे है, तो अब उसके बाद क्या आएगा, आफ्टर मतलब उसके बाद, तो आज अगर थर्सडे है तो आज थर्सडे है तो कल क्या आएगा, उसके बाद क्या आता है, थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, तो आंसर विल बी फ्राइडे। द डे आफ्टर थर्सडे इज फ्राइडे, टुडे इज थर्सडे, सो टुमारो विल बी फ्राइडे, थर्सडे एंड देन फ्राइडे, थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डे बिफोर फ्राइडे, नेम the day before Friday, before Friday, now you have to name the day before Friday, Friday से पहले, आज Friday है, suppose आज फ्राइडे है तो कल क्या था, कल क्या था कि आज फ्राइडे है, कल थर्सडे था इसीलिए आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे से पहले, बिफोर मतलब
पहले. इफ टुडे इज फ्राइडे देन यस्टरडे क्या है, क्या था? थर्सडे. आंसर इज थर्सडे. Answer is Thursday. The day before Friday is Thursday. Okay. Then we have three more questions. Let's do that. Question number seven is, what day comes after Saturday? What day? Actually, which day होना चाहिए, but it is written what day. What? कौन सा दिन? क्या दिन आता है? नहीं होता है. This should be actually which day, but since in your book it is written what day, we will write what day. What day comes after Saturday? After Saturday. What day comes after Saturday? Here, after Saturday. आज सैटरडे है, आज सैटरडे है, तो कल क्या होगा? What will be tomorrow? अगर आज सैटरडे है तो कल कौन सा दिन आएगा? संडे. तो आफ्टर सैटरडे, सैटरडे के आफ्टर क्या हुआ? संडे. आफ्टर सैटरडे संडे. सो द डे दैट कम्स आफ्टर सैटरडे इज संडे. इट इज राइट आंसर संडे. Now, question number 8. If today is Thursday, tomorrow will be आज अगर थर्सडे है तो कल क्या होगा? दिस इज वॉट आई वॉज टेलिंग टिल नाउ. मैं आपको ऐसे ही बता रही थी, आफ्टर बिफोर पता करना. वेन यू हैव टू फाइंड आउट आफ्टर एंड बिफोर, हम मान के चलते हैं कि वो दिन आज ही है. तो इफ टूडे इज थर्सडे, अगर आज थर्सडे है तो कल क्या होगा? टुमोरो क्या होगा? इफ आज थर्सडे है तो टुमोरो क्या होगा? फ्राइडे. टूडे इज थर्सडे, टुमोरो फ्राइडे. थर्सडे फ्राइडे. टुमोरो मतलब नेक्स्ट डे, टुमोरो मतलब नेक्स्ट डे. आफ्टर टुमोरो मीन्स नेक्स्ट डे और आफ्टर. तो थर्सडे के आफ्टर, थर्सडे के नेक्स्ट डे इज फ्राइडे. आंसर इज फ्राइडे. फ्राइडे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ Yesterday was Friday. If I'll write it from here. If yesterday, if yesterday was Friday. If yesterday was Friday. Today is अगर कल जो खत्म हो गया,
था, अगर कल फ्राइडे था तो आज क्या होगा। जो बीत गया दिन, जो डे बीत गया वो फ्राइडे था, कल जो है वो फ्राइडे था, तो आज क्या है। आज सैटरडे, यस आज सैटरडे है। अगर बीत गया जो दिन, कल का दिन फ्राइडे था, तो आज क्या है सैटरडे। इफ यस्टरडे, यस्टरडे मतलब जो डे बीत चुका है, जो डे हो चुका है, तो यस्टरडे वॉज फ्राइडे, बीता हुआ दिन फ्राइडे है, तो टुडे आज क्या दिन क्या है। यस्टरडे वॉज फ्राइडे, यस्टरडे वॉज फ्राइडे, टुडे इज संडे, सॉरी सैटरडे, टुडे इज सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे, यस्टरडे फ्राइडे, टुडे सैटरडे। आंसर इज सैटरडे। ओके, सो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ डेज ऑफ वीक वी हैव डन सो फार। द डे कम्स आफ्टर संडे इज मंडे, डे कम्स आफ्टर मंडे इज ट्यूजडे, डे बिटवीन ट्यूजडे एंड थर्सडे इज वेंसडे, डे बिफोर संडे इज सैटरडे, डे आफ्टर थर्सडे इज फ्राइडे, डे बिफोर फ्राइडे इज थर्सडे, डे कम्स आफ्टर सैटरडे इज संडे। इफ टुडे इज थर्सडे, टुमारो विल बी फ्राइडे। इफ यस्टरडे वॉज फ्राइडे, टुडे इज सैटरडे। This exercises, this sentences we have completed, this exercise we have completed. So, days of week is over and rest of the exercise we will do in the next video. I hope this days of week is clear to you all, before, after and between. Do practice these at home and we will revise this in our online classes. Okay? Thank you.